व्यूअर्स, आज मैं आया था यहाँ पे, किसको कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मोटरवे, मोटरवे के पास। तो मैंने कहा कि आपको भी यहाँ पे कुछ व्यूज अच्छे हैं वो भी दिखाता हूँ, और अपने मैं गाँव आपको पहले भी दिखाया था वीडियोस में, तो एक और साइड हमारे गाँव के वो बाहर वाली साइड पे, वो भी आपको भी जाते हैं वहाँ पे तो वो दिखाता हूँ। तो चलें फिर बिना किसी देर की अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बच्चे आ रहे हैं स्कूल से, और ये है सेम जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। और ये इसके नीचे एक टनल गुजरती है। और ये है, और एक और ये टनल है, लास्ट टाइम हम मैंने दिखाया था वीडियो में उसके नीचे से गुजर के। तो अब हमारी वीडियो का बेसिकली मैं दिखाना ये वाली साइड जाता हूँ, तो चलते हैं। लास्ट टाइम मैंने दिखाया था ये, तो अभी थोड़ा सा करीब होकर देख लेते हैं। बेसिकली ये हमारे नज़दीक एक मोटरवे है, लास्ट टाइम ही मैंने बताया था। तो ये देखें काफ़ी ज़ोरों शोर से चल रही है। और अब तो जैसा कि व्यूवर्स आपने पहले भी देखा था, हमारे गांव की हरियाली उस साइड पर भी काफ़ी है, तो ये साइड पर भी हम आए हैं। पहले मैंने आपको दूसरी साइड दिखाई थी मोटरवे की, आज मैं दूसरी मतलब राइट साइड पहले दिखाई थी, और आप लेफ्ट साइड है, मतलब इस तरह जैसे हम जा रहे हैं इसी तरीके से देखा जाए तो ये मैं राइट में पार्ट लेफ्ट में है, और जो पहले दिखाई थी वो राइट में थी। और अभी मैं ये एक डेरा टाइप जगह है, यहाँ पे कुछ रहते हैं लोग, लोग ही रहते हैं सारी बात। सिंपल सी चीज़, और उन्होंने काफ़ी अपना खेतों के दरमियान बनाया है। हमारे स्टार्टिंग में गांव में तकरीबन ज़्यादातर लोग इसी तरह जाते थे, पर जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई तो लोगों ने अब घर जो है वो खेतों की बजाय बाहर ज़मीनें जो हैं उनमें आबाद करने की बजाय गांव के अंदर ही रहने लग पड़े। तो ये भी एक घर इधर इस तरह ही है। तो चलो हम एक और भी यहाँ पे हमारे पार्क भी है, एक वाटर पार्क जिसे बोलते हैं। आजकल सर्दी है वैसे, ये जिस तरह धूप निकली हुई है लग ऐसी रहा जैसे गर्मियाँ आ गई वापस। तो वो पार्क भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी लास्ट, इसके बाद जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो उस पर बनाऊंगा, उधर चलेंगे हम तो वो भी दिखाऊंगा आपको।
ये हमारे यहाँ पे एक इसे बोलते हैं सिग्नल टावर, ये वो बना हुआ है। चलो करीब जाके दिखाता हूँ, यहाँ से सही नज़र नहीं आ रहा। ये लास्ट टाइम बता रहा था ना, काफ़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ पर भी एक दिन चक्कर लगाऊंगा मैं, तो वहाँ वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। तो फिल वक्त हमारी वीडियो इस पर नहीं है, इसका व्यू ऊपर से ज़्यादा अच्छा आएगा। मैं आपको ऊपर से भी दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे उन्होंने ब्रिज वगैरह बनाया हुआ है, और उसके ऊपर से जाता है हमारे गांव की तरफ रास्ता, और नीचे से ये गुजरती हैं गाड़ियाँ वगैरह। पहले स्टार्टिंग में जब था तो ये ब्रिज वगैरह नहीं बना हुआ था, उन्होंने ये मिट्टी का ही बनाया हुआ था। तो अब ये इन्होंने हुकूमत ने, ये काफ़ी देर होगी वैसे तो मेरे पैदा होने से पहले कहीं शायद ये बन गया। तो और ये आप देख रहे हैं, और एक वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा हमारे सूरज यहाँ पे काफ़ी रूपे आफ्ताब और तुलुए आफ्ताब के वक्त काफ़ी अच्छा मौसम होता है, वो भी दिखाऊंगा आपको गाँव का माहौल। ये देखें कितना लेवल इसका ऊपर है, हमारी पहले ये जो थी ये सड़क के बराबर थी ये सारी ज़मीन, अब इन्होंने खुदाई कर करके मिट्टी जो है वो भिजवा भिजवा के, यानी कि ये सारी मिट्टी असल में ऊपर वाली जो होती है वो जब रेतीली हो जाती है ना, यहाँ की मिट्टी रेतीली थी काफ़ी, तो लोगों ने क्या किया उन्होंने काफ़ी जो है ना वो खुदाई करवाई, क्रेन वगैरह वो जो होती हैं वो मंगवाई, और उनसे फिर ये जो है ना काफ़ी गहराई में चली गई, नीचे चली गई। कहीं उस साइड पे हमारे उस साइड पे भी हैं ज़मीनें, वो इससे भी डबल नीचे गहराई में, मतलब काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं। और इसी तरह ही ज़मीन का जो वो कहते हैं ना सती लेवल, वो गिरता जा रहा है, काफ़ी लो हो रहा है। तो ये इनको देख लें यहाँ पे, अब ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ना आप अगर रिवर्स गौर किया हो यहाँ पे ना वो हरियाली नहीं है, वो साइडों पे है। ये क्यों नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये रेतली जगह हो गई, जैसे मतलब हमारे यहाँ पे पंजाबी में, मुझे उर्दू नहीं पता आ रही, तो रेत वाली जगह सारी है, तो इस वजह से अब यहाँ से और इन्होंने खुदाई करवाएंगे और फिर ये दोबारा जो है ना ज़मीन जो है वो ज़रखेज़ हो जाएगी। तो देखें काफ़ी ख़तरनाक काम बना है यहाँ का।
ये हमारे यहाँ के बेर आपको दिखाई थी, बड़ी भी दिखाऊंगा एक। अरे यहाँ पे काफी बेरें भी लगी हुई हैं, अगर किसी ने खाए हो तो पता ही होगा उसको ये बेर है। हम बहुत करीब पहुंच गए हैं, ये देखें ये सिग्नल टावर है, काफ़ी बड़ा है। सारी बात है बड़ा होगा तभी ज़्यादा सिग्नल जाएगी। अब हम इसको करीब से जाके देखते हैं। और फिर मैं आपको वहाँ ऊपर चढ़ के भी इसको दिखाऊंगा, और साथ में ये जो नीचे वाला है ये सारा व्यू भी दिखाऊंगा, कहाँ से हम आए थे और कहाँ हम आए हैं। और ये टावर, अभी आपको ये टावर का भी दिखाता हूँ। और ये देखिए ट्रैक्टर जा रहे थे, और यहाँ तो अभी आपको वो ट्रैक्टर वगैरह भी दिखाएंगे जो गांव में होते हैं, कहीं से गुजरते हैं ना, या फिर हम वो फसलों वाली साइड पे जाएंगे ना, फिर आपको वहां से भी वो व्यू भी दिखाऊंगा उसको कैसा होता है और क्या होता है। ये देखिए की दीवारें काफ़ी वैसे ख़राब हो चुकी हैं, और वहाँ से मुनहदिम हो गई हैं, यानी कि टूट फूट गई हैं, टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। करीब जाके भी हम देखते हैं। काफ़ी ख़राब हुआ हुआ वैसे, ये मेरे ख्याल से लॉक अंदर से या वैसे ही जकड़ा हुआ। अब इससे आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि दरवाजा जो है वो खुल नहीं रहा। और ये नज़दीक से ऐसे ही लग रहा है जैसे मनारे पाकिस्तान है या फिर बुर्ज खलीफा। और चलो अब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ, शायद वहाँ से ज़्यादा क्लियर नजर आए। इधर से चढ़े या उधर से, पत्थर नए लग रहे हैं और मैं टूट के नीचे ना यहाँ से चढ़े। ये हम ऊपर पहुंच गए,
इस साइड से हम आए थे, तो यहाँ पे आगे चल के आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। ऊपर खड़े हुए काफी अच्छा भी होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हम काफ़ी दूर आ चुके हैं और ये आ गया टावर जिसे हम देखने आए थे, और ये रोड जाती है पिंडी, जहाँ पर ये लोग सारे पिंडी जा रहे हैं। और इस वीडियो में आपको मैं पिंडी का भी चक्कर लगवाऊंगा, वहाँ की वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको। और ये चेक करें, अब मैं वॉक करने आऊँगा सुबह, तो सुबह यहाँ का ना मैं वो साइड से जिस साइड से ये साइड है ना जहाँ से ये आ रहे हैं उस साइड का भी सारा दिखाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ से करीबन डेली आता था। अब तो नहीं खा रहा था क्योंकि अब थोड़ी सी रूटीन ख़राब हुई हुई थी। अभी आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का, यहाँ से काफ़ी अच्छा आता है और दोनों साइड का दिखा। हर जगह सब्जा ही सब्जा है, और ये अट्रैक्टर और इसे कहते हैं कोता रड़ा। बच्चे बाइक पे जा रहे हैं, स्कूल का टाइम हो गया वापस आने का, तो सब लोग आ रहे हैं वापस स्कूल से। अब बैग उस साइड वाली बात वो भी दिखाता हूँ आपको, ये हरियाली हरियाली है। और इस साइड पे एक इमाम बारगाह तमीर हो रही है, और साथ ही उसके मस्जिद है हमारे, इधर हम रोज़ाना जाते हैं नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए। आपको अपनी मस्जिद भी मैं दिखाऊंगा, हाँ ये चीज़ ठीक है, मस्जिद भी दिखाऊंगा और जो है ना उसका अंदर का भी नज़ारा, और इमाम बारगाह भी अपने दिखाएंगे। और ये इस साइड पे जो ये गांव है ये
इसको वड्डा लोग कहते हैं। वड्डा लोग यानी कि यहाँ पे सारे अमीर जो है ना, इनके पास ढेर सारी ज़मीनें हैं, वो रहते हैं। और वो दूर एक फैक्ट्री है, उसके एकदम आप अगर देख रहे हो यहाँ पे, वो धुआं भी निकल रहा है उससे, तो गंद वगैरह, ये आलूगी वगैरह फैलाने में इनका ही बड़ा हाथ है। और ये जो हमारी नहर वगैरह गंदी हुई है, सब में इनका ही हाथ है। और ये है इस साइड पे वाटर पार्क, जो मैं बता रहा था आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, और शायद बताया था या नहीं, ये मुझे अभी याद नहीं है। तो एक वीडियो हम इसको ही बनाएंगे, उधर जाके इसकी वीडियो बना के ला के दिखाऊंगा आपको। और ये इस साइड पर सारी ज़मीनें हैं लोगों की, आप देख सकते हैं काफ़ी हरियाली है। सिर्फ जहाँ पे मोटरवे है वहाँ पे हरियाली, इसके साथ काफ़ी हरियाली है। उस साइड पे अगर आगे ज़्यादा जाएँ तो वहाँ पे आता है झूले की, और इस तरफ जाएँ तो आगे ज़्यादा जाएँ, मतलब ये रोड सामने वाला है, वहाँ पे जाएँ तो वो खट्टा वगैरह इस तरह के नाम है उनके, वो आ जाते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।